जिस तरीके से चुनाव को प्रशासन की ताकत से और वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। अगर सर्वे की बात थी, जब पहली बार सर्वे हुआ तो किसी को आपत्ति नहीं थी, सबने मिलजुल करके सर्वे कराया। भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे, कम से कम उनके नाम तो जारी हो। लखनऊ वालों को ये पता है कि कभी दिल्ली वालों ने भी इसी तरीके की घटना कर करके दिल्ली तक पहुंचे थे, आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए, ये सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, और चुनाव में जो वोट की लूट हुई थी, जिस तरीके से चुनाव को प्रशासन की ताकत से और वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। अगर सर्वे की बात थी, जब पहली बार सर्वे हुआ तो किसी को आपत्ति नहीं थी, सबने मिलजुल करके सर्वे कराया। दूसरी बार जो सर्वे हुआ उसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरा दोष, और अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां का प्रशासन जिम्मेदार है। और अगर ये होर्डिंग, जुर्माना, उनके नाम जारी करना, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे, कम से कम उनके नाम तो जारी हो। दोषी वही लोग भी हैं, क्योंकि सर्वे की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे जा सकते हैं। और ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है, दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई है उसमें आम आदमी पिस रहा है, जनता पिस रही है, और लखनऊ वालों को ये पता है कि कभी दिल्ली वालों ने भी इसी तरीके की घटना कर करके दिल्ली तक पहुंचे थे, आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब देखना यह है कि राजधर्म कौन किसको याद दिलाता है। जो राजधर्म की बात है वो अब कौन, लखनऊ वाले, दिल्ली वाले, अब कौन किसको याद दिलाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि दोनों सरकारें देख रही हैं आखिरकार के अन्याय हो रहा है। और आपको याद होगा, जब बुलडोजर रोका गया तो जुर्माना सरकार को देना पड़ा, और आज ऐसी परिस्थितियां हैं जहां वो सीसीटीवी वीडियो अगर रिलीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेट खुलने के बाद तमाम वो वीडियो, तमाम वो ऐसी हो सकता है वो निकले जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी नजर आए। नहीं, आखिरकार सर्वे कराते समय वो कौन लोग थे भारतीय जनता पार्टी के जो नारे लगा रहे थे, नारे लगा करके कौन सा सर्वे होने जा रहा था, क्या सरकार ने, प्रशासन ने उन पे कार्रवाई की, क्या उन लोगों पर जुर्माना सरकार लगाएगी, क्या जिस तरीके से गंभीर धाराएं लगी हैं उन पे भी वही गंभीर धाराएं लगेंगी। आप सांसद पे, विधायक पर मुकदमा दर्ज इसलिए कराना चाहते हो क्योंकि वो आवाज ना उठाएं, और जितने लोगों की भी जान गई है सब पुलिस की गोली से जान गई है, कौन नहीं जानता इस सरकार में पोस्टमार्टम के समय क्या नहीं हो जाता है। यहाँ पर यह भी है कि पोस्टमार्टम में दबाव बना करके डॉक्टर्स पर रिपोर्ट बदलवाई जाती है, तो प्रशासन क्या नहीं कर सकता है। और फिर ये जो लोग अधिकारी गण हैं, इनका जरा बैकग्राउंड देखिए, आप कौन लोग हैं अधिकारी, आप इनका बैकग्राउंड जब देखेंगे तो आप पता करेंगे कि ये पूरा कठपुतली बनकर के सरकार का काम कर रहे हैं। वो न्याय नहीं दे रहे हैं, वो अन्याय कर रहे हैं वहां पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।